अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सौंपा गया ज्ञापन। राज्य कर्मचारियों ने कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में आंदोलन का लिया निर्णय। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं, पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से जबरन वसूली रोकने और वसूल की गई राशि को यथाशीघ्र लौटाने की मांग की गई। रत्नू ने बताया कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में महासंघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 8 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के समस्त विधायकों का घेराव और 11 नवंबर को समस्त जिला मुख्यालयों पर राज्य कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तारी दी जाएगी। यदि समय रहते सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रही आर्थिक सुविधाएं बहाल नहीं की और वसूल की गई राशि जल्द नहीं लौटाई तो राज्यव्यापी आंदोलन से होने वाली असुविधाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा राजस्थान सरकार को ये अंतिम चेतावनी के रूप में हम आप ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि आपने जो हर महीने के कर्मचारी को जो वेतन कटौती कर रहे हैं एक दिन की और मार्च महीने का जो वेतन स्थगित किया है उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करते हुए वेतन कटौती को बंद की जाए, अन्यथा जो कर्मचारी वर्ग में जो आक्रोश है वो अब चरम पर पहुँच चुका है। इसका अंजाम इस रूप में होगा कि कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कर्मचारी वर्ग में इतना उबाल है कि अभी कल ही राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया कि विधायकों का 30,000 की जगह 50,000 रुपये आवासीय भत्ता है, और एक तरफ सरकार कर्मचारियों को वेतन काट रही है कि कोविड-19 में हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो वो कोविड-19 के नहीं करके सहयोग आप अपने विधायकों को आवासीय भत्ते के रूप में हमारी तनख्वाह काट रहे हैं। इस तरीके के अलोकतांत्रिक जो आपने ये फैसला लिया है उसको पुनः वापस लेते हुए कर्मचारी वर्ग की मांग को मानते हुए आप तुरंत प्रभाव से इसको आदेश को वापस लें और कर्मचारियों की वेतन कटौती बंद करते हुए मार्च महीने का वेतन जो रिलीज करें। और सरकार ने जो हमारे से वादे किए थे, 5 साल पहले BJP ने कर्मचारी से अत्याचार किया, अन्याय किया, सरकार कांग्रेस की बनी उससे पहले उन्होंने हमारे से वादे किए और वो वादे नहीं, कर्मचारी आज समझ रहा है कि वो झांसे थे और कर्मचारी वर्ग खुद को ठगावा सा महसूस करता है। और राजस्थान सरकार को इस कर्मचारी को जो आक्रोश का परिणति उनको भुगतनी पड़ेगी इस नगर निकाय के चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में। और कर्मचारी वर्ग 8 नवंबर को विधायकों का घेराव करेगी और 11 नवंबर को अपनी गिरफ्तारी देते हुए उग्र रूप में आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी।